मैं सुनीता राव महिला कांग्रेस के स्टेट प्रदेश अध्यक्ष हूँ। महिला कांग्रेस के आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे माइनॉरिटी बहनें पूरे जो हिजाब के खिलाफ जो गड़बड़ हो रही कर्नाटका पे, आज ये बीजेपी सरकार और आरएसएस मिलके जो हंगामा मचा के रखे, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हिजाब इज अवर प्राइड। सो प्रियंका गांधी जी ने भी उन लोगों को मदद देते हो बच्चियों को कर्नाटका में, तेलंगाना में तो ऐसा जुल्म नहीं किए, मगर कर्नाटका में जो हो रहा है वो बहुत बुरी तरीके से बच्चों के ऊपर जाति जो हो रही है, दैट वी आर कंडेमिंग इट। वो कंडेम करते हुए आज महिला कांग्रेस ये प्रोटेस्ट धरना ऑर्गेनाइज करे गांधी भवन में, और हम ये कहना चाह रहे दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या पहनना क्या नहीं पहनना मोदी या आरएसएस डिसाइड नहीं करते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 दे हैव गिवन अस द इक्वालिटी ऑफ राइट, जहाँ पे डेमोक्रेसी में हम क्या पहनना बीजेपी डिसाइड करती, आरएसएस डिसाइड करती क्या? महिला कांग्रेस कभी भी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी ने हर लोगों को मिला के आज गरीब सरकार गरीब लोगों के लिए काम करती है कांग्रेस सरकार, मगर कांग्रेस सरकार में सबको इक्वालिटी ऑफ राइट दिए, माइनॉरिटीज को लेके एससी एसटी बीसी को सबको माइनॉरिटी, मगर अभी तक कांग्रेस पार्टी में कभी भी ये नहीं बोले कि ये पहनना ये नहीं पहनना, बुर्का नहीं पहनना, हिजाब नहीं पहनना, चादर नहीं पहनना, ये कौन सा जुल्म जाति करता। मोदी को तो पहले फैमिली है ही नहीं, मोदी तो क्या बोलते है वो हमारे पास तेलुगु में ओक सामेत उंटदी తాడు బొంగరం లేనోడు అని చెప్తారు, తాడు బొంగరం లేని మోదీకి సంసారం గురించి ఏం తెలుస్తుంది, సంసార్కే బారేమే క్యా మాలూమ్ హోతా, ఏక ఔరత్ క్యా పెనా మోదీ డిసైడ్ కర్తా క్యా, నంగా ఘూమా బోలా మోదీకు, హమ్ లోగా క్యూ ఘూమ్తే, హమ్ బరాబర్ హమారా రైట్ కే లియే బరాబర్ హిజాబ్ పెన్తే బుర్కా పెన్తే బరాబర్ జాతే, మహిళా కాంగ్రెస్ కే నేతృత్వ మే హమారా మైనారిటీ బహనో కే లియే హమ్ యే ప్రోటెస్ట్ చాలూ కరే, ఆర్ యహాన్ పే తో కోయి తెలంగాణ సర్కార్ తో మనా నహీ కరే, హమారే పాస్ యే పూరే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మే పెన్ కే జాతే, హమ్ यही अब कोर्ट में है बोल के मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे, मगर एक बात तो बात कर रहे, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे रेप ज्यादा रेप्स पूरे चल रहा बोले तो बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पे औरत बच्चियों के ऊपर जाती और रेप ज्यादा है। तो आप जरा देखिए सोचिए, वोट डालने से पहले हम एक ही बात बताते, वोट डाल के इस बार बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना, क्यों बोले तो आज के औरत को कहाँ पे भी आप किधर भी जाओ सेफ्टी की चीज़ है ही नहीं। तो बीजेपी सरकार को बैन करते हुए आज कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के हिसाब से आज माइनॉरिटी बहनों के तरफ से ये प्रोटेस्ट हिजाब के वजह से हम लोग गांधी भवन में ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू हम देख रहे हैं हमारे कंट्री में कर्नाटक में जो हो रहा है हिजाब का जो मसला चल रहा है, माइनॉरिटी बच्चियों को कॉलेजेस में हिजाब पहनने की सहूलियत नहीं है बोल के वो लोग बोल रहे हैं, मगर ये मनुवादियों का दुनिया नहीं है, ये मनुवादियों का काल नहीं है, ये है बाबा साहेब अम्बेडकर लिखे से संविधान का काल है, ये जो युग है आज का युग है ये नव युग है, इसमें हर एक को अपना अपने हिसाब से जो पहनना चाहिए वो पहनने का हक है, किसी भी खवातीन को किसी भी महिला को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं इंडिया को, तो थोड़े प्लेसेस में देखते हैं जहाँ पे हिंदू औरतें भी अपने चेहरे को घूंघट से ढकती है, वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी बहनों को ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों ये मनुवादियाँ मनुशक्ति ये आके ये लोगों को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए बल्कि बच्चियों को कॉलेज में क्यों रोक रही है। धर्म के नाम पे विभाजित मत करिए, ये अमृतकाल है,
मोदी जी का अमृतकाल है। ये अमृतकाल में कुछ भी हो सकता है, मगर कांग्रेस पार्टी और ये महिला शक्ति हमारे साथ, हमारी सुनीतक्का है, हमारे सुनीतक्का के साथ हम मिलके तेलंगाना में ये होने नहीं देंगे, तेलंगाना में भी नहीं, सारे इंडिया में होने नहीं देंगे। हम लोग हमारे मुस्लिम बहनों के साथ है। आप क्या हमको डिवाइड करेंगे, आप क्या हमको विभाजित करेंगे? जब दिवाली में अली है, रमजान में राम बसे है, हम सब एक है, हम सब एक है। मुस्लिम माइनॉरिटी बहनों के साथ हम कड़ी है, और वो बुर्का पहने या फिर हिजाब ओढ़े, वो जो भी फॉर्म लिखती है उसमें इंडियन बोल के लिखती है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए वो हिंदुस्तानी बोल के अपने आप को दिखाने के लिए। हम हमारे माइनॉरिटी बहनों के साथ है। मुस्लिम माइनॉरिटी जिंदाबाद, मुस्लिम माइनॉरिटी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद।